9 दिनों से चलने वाला पर्व नवरात्र अब समाप्त हो चुका है। ऐसे में डेहरी में राधा कृष्ण मंदिर में बंगाली रीति रिवाज से पूजा अर्चन पिछले कई दिनों से की जा रही थी। आज प्रतिमा का विसर्जन सिंदूर खेला के तहत किया जा रहा है। सिंदूर खेला जो है बंगाली महिलाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। जब माँ का विदाई होता है तो उस वक्त सिंदूर लगाकर विदाई की जाती है और हर साल यहाँ पर राधा कृष्ण आश्रम जो डेहरी पाली रोड में स्थित है वहाँ पर सिंदूर खेला का आयोजन होता है। बंगाली समुदाय से जुड़ी हुई महिलाएँ एक दूसरे को सिंदूर लगाकर माता की प्रतिमा को विदाई देती हैं। इस अवसर पर कई सारे गाने भी होते हैं और जो बंगाली महिलाएं होती हैं अपने पारंपरिक रीति रिवाज और परिधान में वहां मौजूद रहती हैं और सिंदूर खेला के बाद वो माता की प्रतिमा को विदाई देती हैं। आज सिंदूर खेला का जब आयोजन हुआ उसके बाद माता की प्रतिमा को डेहरी के एनी कैट में विसर्जित किया जा रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने वहाँ का जायजा लिया। आइए देखते हैं डेहरी एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रिपोर्ट। रामकृष्ण आश्रम की ओर से दशहरा की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभेच्छा, शुभकामनाएँ। आपने जो पूछा कि ये सिंदूर खेला का क्या महत्व है, असल में हम दुर्गा माँ को अपनी बेटी मानकर उनकी पूजा करते हैं, बेटी मैके आती है और आज उनकी विदाई है तो हम लोग सिंदूर लगाते हैं और ये सिंदूर हमारे लिए हर सुहागन के लिए बहुत ही सगुन है, प्रतीक है, अच्छा प्रतीक है। उसको सब एक दूसरे को लगा कर उत्साह मनाते हैं, माँ से कामना करते हैं कि माँ सब कुछ अच्छा से अगले साल भी ऐसा ही लोग उत्साह से मनाए और आप फिर से आए और सारी खुशियाँ लेके आए। क्या नाम हुआ? स्निग्धा बनर्जी। क्या बताना चाहते हैं सिंदूर खेला? यही छोटा सा संदेश कि अगले साल माँ सारी बाधाओं को, सारी बीमारियों को, सारी जो हम लोगों ने दो साल जो झेला है उन सारी परिस्थितियों को दूर करके अगले साल फिर खुशियाँ लेकर, खुशहाली के साथ हमारे जीवन में आए और सबके जीवन में खुशियाँ भरें। ये हम लोगों का, बंगाली लोग का परंपरा है सिंदूर खेलना। विसर्जन के बाद महिलाएं आती हैं और हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को श्री अमर के लिए अपना सिंदूर दान करती है, माँ को सिंदूर दान करती है, प्लस महिलाएं अपने अपने आप में सिंदूर खेला करती है। इस बार दो साल के बाद दुर्गा पूजा रखा है, कैसा आपको लग रहा है? दो साल के बाद, पिछले साल भी हम लोग का कोरोना प्रोटोकॉल को नियमों को पालन करना पड़ा जिसके चलते हम लोग हर्षोल्लास नहीं कर पाए। सरकार के नियम अनुसार 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये जो लगा हुआ था जिसके चलते हम लोग इंजॉय नहीं कर पाए। इस बार कोरोना बिहार में कम है और जिसके चलते हम लोग खूब इंजॉय किए, लेकिन जितना इंजॉय करना चाहिए तो उतना इंजॉय हम लोग नहीं कर पाए। माँ का आशीर्वाद है, अगर इस तरीके पे हम लोग विश्वास है कि अगले साल और इससे भी बढ़िया से हम लोग इसको कर पाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुब्रत चक्रवर्ती हुआ।